thank you to you all for always watching my videos and for praising me so much. Today's video is on deep water. इसका introductory video हम लोगों ने already देखा है. ये जो chapter है वो William Douglas के बारे में है, कैसे उनको पानी से बहुत डर लगता है. ये chapter लिया गया है उनकी book of Men and Mountains से. इसमें विलियम डगलस बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे और वो स्विमिंग सीखने गए थे तो ऑलमोस्ट वो डूबने वाले थे. ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड. और कैसे फिर वो बाहर आते हैं और उसके बाद से वो जंग शुरू करते हैं, पानी से जीतने की जंग, उस डर से उभरने की जंग. तो बिना लेट किए चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. और इसके अलावा जो भी मटेरियल चाहिए होगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग आई हैव, यू जस्ट हैव टू टेल एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल. वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे भी आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स अगो. जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है तब विलियम डगलस कितने साल के थे, कुछ 10-11 साल के थे. आई हैड डिसाइडेड जो आई है वो कौन है विलियम डगलस, क्योंकि ये उनका खुद का ही लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफिकल सेक्शन है तो यहाँ पर वो खुद से ही बताते हैं खुद के बारे में. ये तब की बात है जब वो डिसाइड किए थे कि वो स्विमिंग सीखेंगे. ऐसा नहीं है पानी से डर इनको शुरू से ही लगता था, पर अभी ये डिसाइड किए कि ये स्विमिंग सीखेंगे और उसके लिए एक पूल पे जाते हैं, YMCA. YMCA एक पूल है, ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, याकिमा में है. ये एग्जैक्टली यही अपॉर्चुनिटी देता है, लोगों को सिखाया जाता है. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, तो बहुत ही डरावनी थी याकिमा रिवर. जो मम्मी है इनकी वो कंटिन्यूसली इनको वॉर्न कर रही थी. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और बार बार इनके दिमाग में ये fresh रख रही थी कि कितने लोग drown हो चुके हैं, तो you don't even try. But इनके according और सबके according YMCA pool जो था वो safe था. वो pool बनाया गया था, वो कुछ 2-3 feet गहरा था और shallow end पे. जैसे कोई भी pool होगा तो आप देखेंगे जब आप enter करते हैं तो कम गहरा होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती जाती है. तो 2-3 feet था shallow end में, गहराई ज़्यादा नहीं थी. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द एदर, तो जो गहरा वाला एंड था वो 9 feet अराउंड था, तो इतना ज़्यादा भी नहीं था. एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो गहराई जा रही थी वो बहुत ग्रेजुअल थी, अचानक से नहीं थी, तो आप कोई डरने वाली बात नहीं गई थी. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और आपने देखा होगा जो स्विमिंग सीखते हैं वो फिशेज की तरह फिन टाइप का वाटर विंग्स बनाया जाता है, और ये पहना के इनको पूल भेजा गया. आई हेट इट टू वॉक, ये देखिए याकिमा रिवर दिखाई गई है. याकिमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA. स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंजीनियस याकमा पीपल. ओके, तो याकमा पीपल के अकॉर्डिंग ये नेम किया गया है. ये जो लोकेशन है US की हम बात कर रहे हैं अभी. आई हेट इट टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. तो आपको पता है अमेरिकन काफ़ी स्किनी होते हैं, गोरी चमड़ी के होते हैं, तो दैट्स कॉल्ड स्किनी. तो कहते हैं मुझे बिल्कुल ख़राब लगता था कि बिल्कुल नेकेड होके जाना और मेरे स्किनी लेग्स का शो ऑफ करना, पर आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. और अपने प्राइड को, अपने ऑनर को किनारे रखकर इन्होंने ये किया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर, और बताते हैं शुरू से अवर्शन मतलब ये थोड़ा सा अगेंस्ट थे पानी के, इनको कोई अट्रैक्शन नहीं था पानी का. और ये तभी से जब से 3-4 साल के थे, 3 or 4 years old. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, इनके पापा इनको एक बीच पे ले जाते हैं कैलिफोर्निया में, तब से इनको प्रॉब्लम है पानी से. इनके पापा और ये खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और ये पकड़ के अपने पापा को खड़े हुए थे. ऑलमोस्ट ही वॉज हैंगिंग ऑन हिम, बट पानी की वेव जो है इतनी तेज थी कि आप इमेजिन कर सकते हैं आप खड़े हैं एंड द वाटर वेव्स आर कमिंग टूवर्ड्स इट. आप फील करिए और आके अब वाटर वेव्स जो आपके ऊपर होके चली जाती हैं, तो कितना डरावना था. आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, और उनको लगा लो सांस चली. अब उतना 3-4 साल का बच्चा जो पानी में ऑलमोस्ट डूबा सा फील करे तो वो फिर दोबारा क्यों पानी में जाएगा. और इनके पापा ये तो डर गए, इनके पापा हंस रहे थे, बट देयर वाज टेरर इन माय, तो वो जो टेरर बचपन में इनको मिल गया था वो समवेयर हमेशा इनको ओवर पावर करता रहता था. अब आता है इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल. जब YMCA स्विमिंग पूल में कहते हैं मैं पहुंचा, तो मेरा जो वो पुराना अनप्लेजेंट मेमोरी था, वो जो चाइल्डिश फियर था, वो कहीं ना कहीं फिर से वापस आया. इट स्टर्ड मी. स्टर्ड मीन्स स्टरिंग करना, मतलब मूव करना. बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, और थोड़ी देर में इन अ लिटिल वाइल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस. आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, और वो पैडलिंग करते हुए जा रहे थे और बाकी बॉयज़ को भी देख रहे थे और उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, वो जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़
इन द वाटर और धीरे धीरे दो तीन दिन बाद थोड़ा सा ईजी कम्फर्टेबल फील कर रहे थे और तभी इनके साथ मिस एडवेंचर हो गया। अब मिस एडवेंचर क्या, एक दिन ये जाते हैं पूल में व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब कोई और नहीं होता है और प्लेस बहुत शांत थी, वाटर भी बहुत शांत था और जो टाइल्ड बॉटम था अपने स्विमिंग पूल के नीचे वाला जो फ्लोर होता है वो उस पर टाइल्स लगी होती है, वो बहुत क्लीन था, वाइट था, सब कुछ एकदम शाइनी था। थोड़ा सा तो ये टिमिड थे, डरे हुए थे अकेले जाने में, पर जाकर साइड पूल के साइड में बैठे थे, बाकी लोगों का वेट कर रहे थे। इनको नहीं पता कि मतलब कुछ देर ही बैठे थे, इनको नहीं पता कि कोई आ जाएगा, तो एक बिग ब्रूसर आ जाता है, 18 ईयर ओल्ड बिग ब्रूसर। ब्रूसर मतलब हट्टा कट्टा आदमी, एक बड़ा सा लड़का चैप जो कि 18 साल का था, वो आता है और ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट। ये अभी भी अपीयरेंस याद रखें उसकी, कि उसके चेस्ट पे जो है बहुत बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमिन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और एक बहुत ही अच्छा फिजिकल अपीयरेंस था उसका, उसके मसल्स बहुत अच्छे थे, हिज लेग्स एंड आर्म्स सब पे मसल्स थे काफ़ी अच्छा। एंड ही येल्ड हाई स्किनी, और दुबले पतले गोरे से लड़के को देख कर वो कहता है हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुमको कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें एक बार डक दूँ, डुबाऊँ, एक बार तुम डूब के निकलो। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और वो इनको उठाते हैं इतने ये दुबले पतले से, इनको उठा के ये डीप एंड में वो फेंक देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और ये बैठ गए थे, उकड़ू से हो गए थे और ये पानी में चले गए थे, सॉलोड वाटर, थोड़ा सा पानी इन्होंने सॉलो भी कर लिया था। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मतलब डर तो लग गया था पर अभी दिमाग जिंदा था, विट्स काम कर रहे थे, इनका दिमाग काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, और जब वो नीचे डूब रहे थे तो इन्होंने प्लान किया जैसे ये फ्लोर को हिट करेंगे तुरंत वो एक पुश देंगे और वो बिग जंप ले लेंगे और इस तरह से वो पैडल करके एज पे आ जाएंगे। और जब वो नीचे जा रहे थे गहराई में तो ही कहते हैं ऐसा लग रहा था कि बहुत लॉन्ग वे डाउन है अभी तो, इट वॉज अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट्स वर मोर देन 90, और जब मैं डूब रहा था तो वो तो लग रहा था 90 फीट डूब रहा हूँ और मेरे लंग्स में तो हवा ही नहीं जा रही थी, जैसा लग रहा था बर्स्ट हो जाएंगी क्योंकि भाई सांस कहाँ पानी में ले जा सकती है। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही इनके कदम बॉटम पे पहुंचते हैं इन्होंने पूरी ताकत से उसको पुश किया, आई कैन जस्ट फील दैट, उन्हें पुश करके फिर से ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं। आई इमेजिन आई वुड बॉब लाइक अ कॉर्क, और इनको लगा था जैसे ही ये फिट अपनी पुश करेंगे तुरंत इनको जैसे बॉटल से कॉर्क ओपन होता है कैसे दूर तक फेंकता है वैसे फेंकेगा, पर एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Instead I came up slowly और उल्टा बहुत धीरे धीरे ये ऊपर आए। I opened my eyes and saw nothing but water, और ये अपनी आँख खोलते हैं और ऊपर बाहर क्या देखते हैं, बस पानी पानी, water that had a dirty yellow tinge to it, थोड़ा अब इनको वो जो पानी अब तक साफ लग रहा था वो dirty yellow, थोड़ा सा उसमें tinge दिख रहा था, थोड़ा सा उसमें matter दिख रहा था, yellowish था। I grew panically, और बहुत ज़्यादा पैनिकी हो गए थे, बहुत पैनिक कर रहे थे। I reached up as if to grab a rope, जैसे लग रहा था कुछ पकड़ने के लिए hands clutch कर रहे थे पर उनको सिर्फ पानी मिल रहा था और अब वो suffocate करना start कर दिए थे। I tried to yell but no sound came out, of course पानी में कहाँ से sound आएगा। Then my eyes, nose came out of water but not my mouth, थोड़ा सा बाहर आए थे, सांस तो भर ली पर mouth नहीं बाहर आए तो चिल्ला नहीं पाए। I flayed at the surface of the water, swallowed and choked and again he swallowed some water and again he was going down. I tried bring my legs up but it was paralyzed and rigid, आधा तो डर था, mentally strong नहीं थे ये, तो ये almost अपने आप को paralyzed feel कर रहे थे। A great force was pulling me under, कुछ तो था जो उनको फिर से अंदर की तरफ खींच रहा था। I screamed पर मेरी चीखें जो है सिर्फ water सुना है। अब line एक एक करके देखते रहिए, यहाँ है हम लोग, आप line देखते रहिए, हर चीज़ सबको समझ में आएगी। आई हैड स्टार्टेड द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई स्ट्रक एट द वाटर, आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन नाइटमेयर फाइट्स इन इररेसिस्टिबल फोर्स। और फिर से इनको लग रहा था कि कोई बुरा सपना ये देख रहे हैं और फाइट कर रहे हैं एक ऐसे फोर्स से जो कि इररेसिस्टिबल था, रोका नहीं जा रहा था। अब ये अपनी सांसें खो रहे थे, इनके जो लंग्स हैं उसमें दर्द हो रहा था, इस इज माई हेड वॉज थ्रॉबिंग, आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब बेहोशी सा लग रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, अभी भी इनको याद था कि ये फिर से सरफेस पर जाएंगे, वहाँ से पुश करेंगे और फिर से ये कॉर्क की तरह बाहर आएंगे, जैसे बॉटल से कॉर्क बाहर आता है और वाटर के ऊपर सरफेस पर फ्लैट हो जाएंगे। बट कैसा होगा नहीं, फिर से ही वेंट डाउन एंडलेसली एंड आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्ली अगेन,
डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. अब वही पानी जो इनको साफ दिख रहा था वो डार्क दिख रहा है, इसके बाहर भी नहीं इनको दिख रहा है. एंड देन शियर बहुत ही शार्प सा स्टार्क टेरर था जो कि इनको रोक रहा था. टेरर जो कि कोई शायद ना समझ पाता, वो टेरर जो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. और आप जो सुन रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा. अगर आपको किसी चीज़ से डर होगा तो आप उसको इमेजिन करिए, आपको ये फियर समझ में आएगा. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, ही वॉज स्टिफ, ही वॉज रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट. कह रहे हैं अब जो मैं चीख रहा था वो भी अब एकदम से बैठ गया है गला, अब नहीं हो पा रहा है, सिर्फ हर्ट लग रहा है कि जिंदा है बाकी कुछ भी नहीं. देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. थोड़ा सा इनको लगा कि फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर टाइल्स पे मेरा पैर टच हुआ तो मैं पूरी एनर्जी के साथ जंप करूँगा. और वो जंप करते हैं पर फिर भी जंप मेड नो डिफरेंस. तब अभी भी इनके आसपास सिर्फ पानी था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, कुछ भी नहीं मिला, नथिंग बट वाटर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. स्टार्क टेरर, अभी भी बहुत डीप से टेरर था, इवन डीपर. वो इट वॉज लाइक इट वॉज गेटिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज की तरह इनके ऊपर चढ़ रहा था वो डर. आई शूक एंड ट्रम्बल, ट्रम्बल मतलब कांप रहे थे डर से. माई आर्म्स वुडन मूव, माई लेग्स वुडन मूव. आई ट्राइड टू कॉल टू हेल्प, पर किसको, मम्मी को भी बुलाते पर क्या सुनाई देता. नो. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक से लाइट आती है. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ दिस येलो वाटर, एट लीस्ट माई आईज एंड नोज वेयर. और थर्ड टाइम ये वाटर के ऊपर आते हैं, जितना हो सकता है हवा भरते हैं और फिर से ये वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp. A blackness swept over my brain. It wiped out fear. अब इनको सब डर से मुक्ति मिल गई. इनको लग रहा था सब डर दूर जा रहा है. इस बार जब वो नीचे जा रहे थे तो इनके पूरी शरीर सुन्न हो चुकी थी. अब किसी चीज़ का डर नहीं था. अब ये मान लिए थे कि ये मरने वाले. और कहते हैं दिस इज़ अ नाइस फीलिंग. एंड ही सेज दिस इज़ नाइस, नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप. और इस बार कोई ताकत नहीं लगानी है, बिल्कुल जंप नहीं करना है. आराम से मुझे नीचे की तरफ ले चलो और फिर मैं स्पेस में चला जाऊंगा. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, आई मस्ट गो टू स्लीप. अब ये मान चुके थे नाउ ही इज़ गोइंग टू डाई. आई क्रॉस टू द ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. और ये नीचे जाते हैं और ये मान गए कि ये नहीं, इज़ नाउ डेथ. और इसके बाद अचानक से ये रिमेंबर करते हैं कि कहीं तो ये पानी पेट की तरफ करके लेटे हुए थे और इनके पास जो पूल था, पूल के पास ही थे, वहाँ वॉमिट कर रहे थे. तो अभी इनको लास्ट सीन याद है जब वो डेड हो रहे थे. और अब जब आंखें खोलते हैं तो ये कहाँ थे, ही वॉज नॉट डेड, ही वॉज अलाइव. और इनको कोई तो पूल से बाहर लेके आया. और वो जो चैप जिसने इनको फेंका था वो वहीं था. और कोई उससे कह रहा था, कुछ तो कह रहा था. तो वो कहता है अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. तो किसी ने कहा अरे वो बच्चा ऑलमोस्ट मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. और लॉकर रूम में लेके जाते हैं. कुछ बहुत घंटों बाद ये घर जाते हैं, बहुत ही डरे हुए थे. आई शूक, आई क्राइड व्हेन आई लेड ऑन माय बेड. आई कुडंट ईट दैट नाइट, ही कुडंट ईट. इज हैड दैट हॉन्टिंग फियर, बहुत ही डरावना वाला डर था. वो जो स्लाइटेस्ट एग्जर्शन, थोड़ा सा भी अगर तनाव आ रहा था तो उससे बिल्कुल अपसेट हो जा रहे थे. उनका नीज अजीब था, पेट अजीब था, सब कुछ अजीब था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. कहीं भी पानी देखते थे तो अवॉइड करते थे. लेकिन कुछ साल बाद इनको रियलाइज़ हुआ नहीं, जब ये पानी कैस्केड्स के पानी, जो झरनों का पानी होता है, वहाँ सब के बारे में सुने तो ये वहाँ जाना शुरू किए. फिर ये बम्पिंग रिवर में गए. देखिए यहाँ सब मेंशन किया हुआ है कहाँ कहाँ गए. टिटॉन और बम्पिंग रिवर, बाथिंग इन वॉर्म लेक ऑफ गोट रॉक्स. धीरे धीरे अपने टेरर से जीतने के लिए हर जगह ये जाते थे. पर वो जो टेरर था वो कहीं ना कहीं था. इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली. और जब वो याद आता था तो इनको पूरी तरह से पोजेस कर लेता था. इनको लगता था इनके लेग्स पैरालाइज हो गए हैं. बहुत ही आईसी हॉरर इनके हार्ट को जो है ग्रैप करके रखा था. दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. इन द कैनोज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन. और ये जाते थे, ये हैंडीकैप वाला जो फीलिंग था फिर भी ये जाते थे कैनोइंग के लिए, जो लंबी बोटें थी मेन लेक्स में. मेन नाम है, जहाँ जहाँ कैपिटल वर्ड है वो नाम है. तो मेन लेक्स में जाते थे फिशिंग के लिए. लैंड लॉक सैल्मन, जो मतलब फिशेज है सैल्मन फिश, उसको लैंड लॉक एरिया वाटर बॉडी में जाते थे पकड़ने के लिए. बास फिशिंग के लिए जाते थे, बास को पकड़ने के लिए जाते थे न्यू हैम्पशायर में. ट्राउट की फिशिंग के लिए जाते थे डेस्ट्यूट्स में. मेटोलियस इन ओरेगन फिशिंग फॉर सैल्मन अगेन, सैल्मन भी एक तरह का फिश है. कोलंबिया में जाते थे, बम्पिंग लेक में जाते थे, कैस्केड, जहाँ भी कैपिटल है वो सब नाम है, चाहे वो ओरेगन हो, मेटोलियस हो, न्यू हैम्पशायर हो, डेस्ट्यूट हो, कोलंबिया हो, कैस्केड, ये सब जगह के नाम है जहाँ जहाँ वो जाते थे अपने पानी से जीतने के लिए. पर वहाँ वहाँ उनका डर उनके पीछे जाता था. फिर इस डर को जीतने के लिए वो फिशिंग ट्रिप पे गए.
इट डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो जो फिशिंग ट्रिप और बोटिंग कैनोइंग में जाते थे, वहाँ सब इस डर की वजह से इनका सारा ट्रिप जो है रुइन हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, इनको नहीं करने को मिलता था. ये हर तरह से अपने फियर से जीतने की कोशिश किए, बट वो फियर इनको पकड़े हुआ था. फाइनली 1 अक्टूबर में इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर को रखेंगे और स्विमिंग सीखेंगे. फिर से ये पूल गए और अब ये 5 days a week जाते हैं. जो स्विमर इंस्ट्रक्टर था जो सिखा रहा था, वो हमेशा रोप और बेल्ट अटैच करके एक पुली के थ्रू, ऐसे एक रोप है इनको बांधा हुआ है, फिर वो एक पुली के थ्रू अपने हाथ में पकड़े रहता था, तो थोड़ा सा नीचे छोड़ता था, फिर जैसे इनको डर लगता था उठा लेता था. तो ऐसे धीरे धीरे करके इनको रस्सी से बांध कर एक एक स्टेप जो है वो सिखाता था. तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. तो 3 महीने में धीरे धीरे वो कुछ तो सीख गए. अब वो सांस ले पाते थे पानी में, कैसे अंदर जाकर बाहर सांस लेके फिर अंदर जाते थे तो एक्सहेल करते थे, एवरीथिंग. ये 100 times ये रिपीट किया. अब ये सोच लिए थे कि ये जीतेंगे पानी से. फिर नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या सिखाया, वो साइड ऑफ द पूल में इनको पकड़ के इनका लेग किक करते थे. अभी भी बांधे हुए बहुत वीक्स तक इन्होंने किया. पहले तो इनका लेग काम ही नहीं करता था, बट फाइनली ये उस पर भी जीत गया. अब इनका पानी में पैर काम करने लगा. फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो स्विमर बना दिया मुझे. और कहते हैं इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ and try to crawl. तो अक्टूबर में ज्वाइन किया था इन्होंने और अब अप्रैल तक ये ऑलमोस्ट सीख चुके थे. आई डिड और ये स्विम किए. इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट. क्या इंस्ट्रक्टर ने अपना काम ख़त्म कर दिया, शायद मेरा काम अभी भी नहीं ख़त्म हुआ था. अभी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो डर वापस आ सकता है. तो मैं खुद से ही आई स्वैम अप डाउन पूरी तरह से स्विमिंग करने की कोशिश करता. तो इससे इस चैप्टर से हम सीखते क्या है कि कोई भी डर आपसे बड़ा नहीं है, उस डर आपको नहीं जीत सकता, आपको उसे हराना होगा. यू हैव टू स्टे डिटरमिंड टू fight with all the fear you have. फिर सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन हैम्पशायर. और बताते हैं कैसे वो जाते थे वहाँ पे, डाइविंग करते थे. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक एट स्टैम्पैक्ट आइलैंड. आई स्वैम, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, हर साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरह का किए. सिर्फ ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार टेरर वापस आया. बट धीरे धीरे ये लेक के मिडल में जाके करने लगे, अपना फेस अंडर वाटर जाने दे रहे थे, ओल्ड सेंसेशन वापस आया. बट ये हंस के कहते हैं ओ मिस्टर टेरर, जो तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं नहीं डरूंगा. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स. अभी भी इनको लगता था कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता. तो उसके लिए वो वेस्ट के टूवर्ड्स गए, वेंट टू टिटॉन, कॉन्रेड मिडोज, कॉन्रेड क्रीक ट्रेल, ये सब जगह के नाम है, मीड ग्लेशियर, सब जगह कैंपिंग और स्विमिंग और फिशिंग के लिए गए ताकि इस डर से जीत पाए. जस्ट एज डो कैप्रॉन यूज टू डू. एंड ही वॉज शाउटिंग टू विन ओवर हिज फियर. और जब वो फियर पर जीत गए, आई शाउटेड विद जॉय, गिलबर्ट पीक रिटर्न दैट ईगो. और जब वो वहाँ पर डॉग कैप्रॉन जगहों पे जाकर शाउट कर रहे थे, तो इस जगह के पास एक गिलबर्ट पीक था, इतनी तेज़ी चिल्लाते हैं कि उस पहाड़ी से लड़के उनका आवाज़ जो है वो वापस आता है. और वो उनको बहुत खुशी है दैट ही वॉन हिज फियर ऑफ वाटर. ये एक्सपीरियंस इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था. जो टेरर था वाटर के लिए वो जीत चुके थे, क्योंकि एक बार वो ऑलमोस्ट डेथ से मिल के आए. कहे डेथ में तो शांति है, लेकिन डेथ से जीतने में जो खुशी है वो सिर्फ एक ह्यूमन बींग फील कर सकता है. जैसे रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ. हमें किसका डर है, सिर्फ डर का. उसे जीत जाओ, आपको कोई डर नहीं है. आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर ऑफ फियर. ये दोनों कौन फील करते हैं, विलियम डगलस. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड. अब उनको लग रहा है ये आज़ाद है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी क्लाइंब कर सकते हैं, और अपना फियर जो है वो साइड में रख के शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो बनाया. मैंने इससे शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकता था इस चैप्टर का. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.